Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और उस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ क्या 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 चावलों के पानी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आजकल हम सब देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम इसका क्या क्या कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने राइस ले लिए थे और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए चावलों को भिगो दिया था। एंड इसके बाद मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका पानी लूंगी इस तरह से। ठीक है जी, ये आ गया पूरा पानी। अच्छा, सो बेसिकली आपने करना क्या है, चावलों के पानी को ले लेना है आपने और इन चावलों को क्या करना है, यूज़ करना है यार। आप इसको बॉईल करके खाओ, सही है, या फिर इसकी क्रीम भी बनती है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ चावलों के पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली क्या सीन है कि ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। हम क्या करने लगे, मैं आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरे पोर बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे हमारे पोर मिनिमाइज़ करने के लिए, किस तरह से तो देखिए ये वीडियो। सो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल आपने ये पानी लेना है एंड इसको आइस क्यूब्स में डाल देना है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। सो ये देखिए, ये हमारी आइस क्यूब्स तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ने चावल का पानी लिया है, इसको हमने आइस क्यूब्स में डाल दिया है, इसको हम कर देंगे भाई फ्रीज। ठीक है जी, तकरीबन 2-4 घंटे में ये आइस बन जाएंगी, बर्फ बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी जब ये बर्फ बन जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सो ये देखिए, आराम से 2 घंटे में ये क्यूब्स तैयार हो चुकी हैं। इस तरह की क्यूब्स हमने लेनी है और फिर क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है जी, आप लोगों को मेरा फेस आई होप बिल्कुल करीब से दिख रहा होगा। मैंने इस वक्त कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं आपको डेमो करके दिखाने लगी हूँ इस आइस क्यूब का। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या लिया है, ये चावल के जो पानी होता है उससे हमने ये बनाया है। जैसे कि आपने सारी चीज़ें देख ही ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से अपने फेस पर आइसिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें अगर आप लोगों को करीब से नज़र आ रहा हो, ये देख रहे हैं मेरे पोर बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। बिकॉज़ के क्या है, मैं रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आजकल स्क्रबिंग चल रही थी। ठीक है, सो ईद थी तो मैंने कहा चलो ठीक है स्किन ज़्यादा अच्छी कर लें, तो स्क्रब बहुत ज़्यादा करने की वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पोर ओपन हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी भाई, इससे मैं करूँगी आइसिंग और करूँगी अपने पोर को मिनिमाइज़। ठीक है, जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना ज़्यादा आप करो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 जितना आपको ठीक लगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, सो क्या होगा कि ये इससे आपके पोर भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ होंगे, स्किन भी क्लीन होगी, इसमें वाइटनिंग एजेंट होते हैं, लाइटनिंग एजेंट होते हैं और दैट्स इट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग लाजमी ट्राई करें एंड मुझे ट्राई के लिए बेस्ट है डार्क स्पॉट्स एंड इवन स्किन टोन पिगमेंटेशन ऑल इन वन, लेकिन ज़्यादातर किसके लिए, आपके पोर को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है जी, ट्राई करें, मुझे नेक्स्ट टाइम रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें आप लोग, प्लीज़ बताएं किस पे वीडियो बननी चाहिए किस पे नहीं बननी चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं, प्लीज़ लाजमी अपनी राय ज़रूर बताया करें मुझे। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इस वक्त बहुत तेज़ जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है बहुत ज़रूरी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।